दिल्ली और हरियाणा में इन दिनों पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प देखने को मिल रही है। किसान दिल्ली में दाखिल होने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस की ये कोशिश है कि उन्हें दिल्ली से जितना दूर हो सके उतना दूर रखा जाए। हरियाणा में ऐसी ही एक भिड़ंत में कुछ किसान घायल हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना में घायल एक किसान से फोन पर बात की। इस बातचीत का वीडियो कांग्रेस नेता श्रीनिवास पीवी ने शेयर किया। पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए। भैया मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ। भैया हेलो, फार्मर है, फार्मर ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है, इसके इससे बात इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। ये एक मिनट करें आप। सत श्री अकाल जी, बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा, हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट किया जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से? नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचा है अभी, डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेक होगा अभी। अच्छा है, हाँ जी बचा है फिलहाल आंख का जी। अच्छा तो आपको आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है, एक की तो दोनों आंखें ही डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ के करीब। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ, मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहाँ है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है, ये कोई टेरा जी कोई मिलिटेंट नहीं है सर, अपने देश के किसान है। बिल्कुल सुबह की है, डायरेक्ट चला सकते हैं, हवा में चला सकते सर, क्यों चला नहीं है? पैरों को भी चला सकते हैं, डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर, और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है, ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर, शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। ओके भैया, यहाँ लोकल MLA हमारे दयाल कंबोजी, ये सब लोग हम आ गए हैं, किसी प्रकार की जो मदद की जरूरत है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ सीरियस इंजरी वो चंडीगढ़ की हैं, वो फिर मैं चंडीगढ़ जाके कल राहुल गांधी ने जिनसे बात की वो रिटायर्ड फौजी गुरमीत सिंह है, जो 17 साल फौज में रहे, फिलहाल किसानी करते हैं। राहुल गांधी से उनकी बात पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग ने कराई। इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी किसान आंदोलन से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको ललन टॉप के जरिए मिलते रहेगी। ये सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखिए। शुक्रिया।